स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पर। आप सभी का जीवन खुशियों से भरा हो इसी शुभकामना के साथ आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में, स्वप्न में अगर आपने ब्राह्मण को देखा है तो इसका क्या अर्थ है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार हमारे जो भी स्वप्न में कुछ दृश्य दिखता है वो हमारे जीवन के शुभ अशुभ का संकेत देता है। अगर आपने सपने में ब्राह्मण देखा है तो ये सपना अच्छा माना जाता है। वैसे भी ब्राह्मण हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक उन्हीं के द्वारा सारे कार्य संपन्न होते हैं। और अगर आपने ब्राह्मण को देखा है तो बीमार है अगर आप, तो आपकी जल्दी ही बीमारी अच्छी होगी, यानी कि स्वास्थ्य लाभ भी होने वाला है। वहीं अगर धन की आवश्यकता, कोई काम नहीं बन रहा है तो रोज़गार भी आपको मिलेगा। मानसिक संताप जैसी स्थिति आपके जीवन में चल रही है, जो चाहते हैं वो मिल नहीं रहा है, भाग्य आपका बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है, ना शरीर साथ दे रहा है ना मन साथ दे रहा है, तो ब्राह्मण को देखना अगर आप देख रहे हैं। वहीं अगर पूजा पाठ करते हुए देख रहे हैं तो ये आपके जीवन की इन परेशानियों को समाप्त करेगा, जीवन में आपके अच्छा काम भी होगा। इसके साथ साथ ब्राह्मण को अगर आप देखते हैं तो आपके जीवन में विद्या की वृद्धि होगी, ज्ञान की वृद्धि होगी। अगर आप कोई शास्त्र इत्यादि पढ़ते हुए देख रहे हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। वहीं अगर कोई नवयुवक नवयुवती जिसका विवाह नहीं हुआ है और इससे बातें चल रही हैं तो वो अच्छा होगा और आपको उपयुक्त जीवन साथी भी मिलेगा, इस तरह भी इशारा करता है। वहीं अगर तिलक लगाते हुए ब्राह्मण को देखते हैं तो ये आपके जीवन में सफलता मिलने का संकेत है तथा मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। कोई आपको मान सम्मान भी दे सकता है, प्यार भी दे सकता है, इस तरफ ये इशारा करता है। बंधु प्रथम मही सुर चरणा मोह जनित संशय सब हरना, ब्राह्मण को भू देव, भू अर्थात पृथ्वी और देव माने देवता, तो धरती का देवता कहा गया है। तो आप सभी अगर ब्राह्मण को देखते हैं तो किसी ब्राह्मण को कोई मिष्ठान का दान करें या किसी वस्त्र का दान करें, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, जिससे आप योग्य हो, कुछ ना कुछ जरूर दान करिए। आपका मंगल शुभ और प्रभु कल्याण करेंगे। तो आज के वीडियो में आप सभी से इजाज़त लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल प्रेस करें। नमस्कार, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।